स्नेहा इवेंट एंड मैनेजमेंट द्वारा बहुत ही शानदार कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है और जिन लोगों को यहाँ पे अवार्ड दिया है वो सभी लोग इस अवार्ड के लिए तो आपको लेकिन भाई उस तरफ चले जाए अंदर भाई सुनो अंदर जाने बंद करोगे आप खड़े हो किसी को अंदर बाहर आने मत देना भाई तो उधर से बंद करोगे तो बंद होगा यहाँ से उनको झटका क्या होता है ना सर ये म्यूजिक कंपनी है ना फिर ये बंद कर देगी क्यों नहीं जा पाए मैं समझ रहा हूँ शुरू करो स्नेहा इवेंट और मैनेजमेंट के द्वारा जो ये आज अवार्ड फंक्शन आयोजित किया गया है यहाँ पे इतना शानदार अवार्ड फंक्शन है और इतने बढ़िया लोगों को अवार्ड दिया गया है जिनका समाज में एक विशेष काम है ऐसे ऐसे क्षेत्रों में काम है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते और ये अवार्ड फंक्शन तो बहुत शानदार है ही इस अवार्ड के तो हकदार थे ही पर जो मैंने उनका काम देखा है उनको कम से कम पद्म अवार्ड की सूची में डाला जाना चाहिए वो देश के सर्वोच्च पदक के हकदार है और मैं ईश्वर से कामना करूंगा कि ईश्वर उन्हें और मदद करे अच्छा काम करने में उन्हें और सहयोग करे उनका मार्गदर्शन करे और हम भी कोशिश करेंगे कि उन लोगों के काम में छोटा मोटा हमारी तरफ जो हो सकता है तन का मन का धन का वो सहयोग जरूर करेंगे और विष्णु जी का बहुत बहुत आभार आयोजक मंडल का बहुत बहुत आभार मेरे मित्र नागेश मिश्रा जी मेरे साथ में उनका आभार जावेद भाई का आभार पाटी जी का आभार इस कार्यक्रम में हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि मुझे इन सब से मिलाया इन सब से जोड़ा और इतना बढ़िया कार्यक्रम किया इतने बढ़िया लोगों को पूरे देश से सेलेक्ट किया धन्यवाद मेरी ये जर्नी 2014 में मैंने स्टार्ट की थी जहाँ से मैंने 90 किलो से आज मैं 57 केजीज पे हूँ सो ये मेरी जर्नी है और दैट्स इट आई एम अ फिटनेस आइकन और थैंक यू सोनू जी विष्णु जी और एंटायर दिस टीम जिन्होंने मुझे यहाँ पे स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस दिया थैंक यू थैंक्स लॉट हेलो माय नेम इज़ पिंटानी सिंह एंड मैं बॉलीवुड में एक्ट्रेस हूँ अच्छी डांसर हूँ और थोड़ा बहुत गाना भी गा लेती हूँ एंड सोशल वर्कर भी हूँ मैं पेट लवर और जितना हमसे होता है उतना करते हैं सोशल वर्क बाकी इंडस्ट्री में काम करते हैं मेरा म्यूजिक वीडियो भी आया है बेमेहर जिंदगी आज मुझे अवार्ड मिला है और आई एम रियली फीलिंग हैप्पी MTDDA थैंक यू सो मच MTDDA DAA मेरे लिए बहुत बड़े चैलेंजेस हुए हुए मैनेजमेंट को अपने तरीके से पूरी तरीके से मैंने अपना सब कुछ बोल दिया उसके अंदर बहुत जल्द फिगर आएगा आप सब देखिएगा बहुत अच्छी लगेगी फिल्म आप सब इसके अलावा फिल्म आएगी जरानी जेठानी और उसके अंदर रिंकू घोषी के अपोजिट में बहुत कमाल कमाल की फिल्म बनी होगी तो मैं अभी बेहतरीन फिल्में करने की कोशिश कर रहा हूँ ऐसी फिल्में जो आप सबको पसंद आए मेरी ऑडियंस को पसंद आए बहुत खूबसूरती से बहुत बेस किया वहाँ पे तो अनामिका जी के
बारे में इतना कहूँगा कि देखने में छोटी है, बहुत टैलेंटेड है, बहुत कमाल की आवाज़ है, बहुत अच्छा सूर बहुत ज्ञान है, ज्ञान है। मैंने ये गाने सुने थे पर मिला मैं पहली बार हूँ तो कर रहा हूँ मेरे से, लेकिन मैं अभी लेकिन मैं इतने गाने सब हिट हैं और अच्छे अच्छे गाने आ रहे हैं, अभी डोरी से लग रहे निकल आना था बहुत प्यारा गाना था। तो मैं इनको ढेर सारा आशीर्वाद देता हूँ, ढेर सारी बधाई देता हूँ आने वाले समय में, ये टॉप नंबर वन हमारे इंडस्ट्री में सबसे बड़ी सिंगर। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो स्नेहा इवेंट एंड मैनेजमेंट को ढेर सारी शुभकामनाएं महाराष्ट्र अचीवर्स अवार्ड कराने के लिए। और दूसरी बात, भोजपुरी हमने के बहुत गर्व होखेला कि हमने के भोजपुरी है जबानी। और अभी मैंने डोली सजा के रखना मूवी से डेब्यूट किया है इंडस्ट्री में। पवन जी की मूवी आ रही है हर हर गंगे, उसमें भी मैंने दो गाने काशी पे गाए हुए हैं। और आंगन की तुलसी और खेसारी जी की चार चार मूवीज़ अभी बहुत सारी आ रहे हैं, वर्क कर रही हूँ आप सभी के साथ। तो बस ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद देती रहिए कि भोजपुरी इंडस्ट्री में डटी रहूं और अड़ी रहूं। चल जाते एक खाना बस। हाँ कि नहीं झुलनी के पोहरिया बिताईला, कि नहीं झुलनी के छैया बलम दुपहरिया बिताईला। भाई मैं गाऊंगा तो की बात करते हैं जो भी हादसा हुआ है, आकांक्षा को लेके क्या कहना चाहेंगे? नहीं नुकसान तो है इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि देखिए कोई भी जो नई लड़कियाँ आ रही है इंडस्ट्री में तो वो इस चीज़ को देख कर कहने का सहमी और डरी तो नहीं है। और आकांक्षा मेरे बहुत अच्छी दोस्त है, इतनी फ्रैंक, इतनी व्यवहार और इतनी मजबूत, पता नहीं कैसे हो गया था। और काफ़ी कुछ सुनने को मिल रहा है तो अभी तक तो चल रहा है इस पर, अभी इसकी केस अभी तक पूरी तरह हुआ नहीं है, खुला नहीं है। मैं जो सब मैं जल्दी चाह रहा हूँ जल्दी खुले और जो जो गुनहगार है उसे सजा दूँ। तो शर्मा सिंह को जिस तरह से आरोपी बनाया गया है, कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, कुछ समर्थन भी कर रहे हैं। पवन जी आकांक्षा के घर पर गए उनकी माँ से मिलने के लिए, तो आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, पवन जी ने अपना बहुत अच्छा जश्न दिखाया, इसके पहले अक्षरा की गई थी, उसके पहले अक्षरा की गई थी, फिर पवन जी गए थे, काफ़ी लोग और सब कवि जी भी गए थे, नितेश जी के साथ गए थे, काफ़ी लोग गए थे और मैं नहीं जा पाया उसके, इसके लिए तो मैं सबसे पहले क्षमा चाहूँगा। लेकिन अगर समर जी के ऊपर जो गुनहगार अगर साबित हो जाते हैं तो सजा मिलना ही चाहिए, और जब तक नहीं हुआ तब तक हमें वेट करना चाहिए कि कहीं कहीं नए नए मोड़ आ रहे हैं। कभी आज ही अनुराधा सिंह जी को बुलाया गया है वहाँ पर, तो अभी आगे क्या खुलेगा, क्या चीज़ें होंगी वो तो अब आने वाला समय बताएगा। पर ये है कि आकांक्षा जैसी लड़की जितनी बेबाक और जितनी मजबूत थी उसके साथ तो ऐसा नहीं होगा और ना ही उसे ऐसा कदम उठाना चाहिए। मैंने दूसरे ऐसे देखिए, मैंने पहले ही बोला हमारी पहचान ही भोजपुरी है, लेकिन नेहा ने जो बोला बहुत गंदी, सब लफंगे का मतलब क्या होगा? अगर रवि जी अगर कमेंट्री कर रहे हैं तो जियो वाले बेवकूफ़ तो है कि रवि जी को उन्होंने बुलाया है। और जिस हिसाब से आपने देखा कि भोजपुरी कमेंट्री एकदम नंबर वन पे कमाल है, एकदम गंदा गरी छोड़ कर अपने गाँव से दूर आया कहीं बैठे, अगर मैं मोबाइल पर देख रहा हूँ तो मुझे हंसी आ रही है, मज़ा आ रहा है, तो लोग देख रहे हैं ना। तो नेहा सिंह जो कौन समझाए हम लोग, वो तो पूरी गायन सीखने के लिए घर छोड़ के चली गई थी और पता नहीं क्या कर रही थी, शादी कर लिया था। वैसे लोग ऐसे टी आर पी के लिए करते रहते हैं, हमें चर्चा में रहने के लिए करते हैं कि मैं चर्चा में रहूँ, गा देती यूपी में गा बिहार का तो गाती नहीं, बिहार में गा। खैर मैं इतना ही कहूँगा कि महिला के मुँह से वो सब शब्द अच्छे नहीं लगते, तो सब लोग ऐसे नहीं है। ठीक है, हमारे जो अभिनेता और सांसद वो जवाब नहीं देंगे, लेकिन अगर आप बात हमारे भी आप सम्मान पाएगी तो हम जवाब देंगे। आज मैंने दिया, कल कोई और देगा, तो बोलने से पहले सोचना चाहिए कि आप किसको बोल रहे हैं। आप पूरी आप एक कहते हैं कि एक अगर मछली गंदी है तो पूरे तालाब को गंदगी करती है, तो अगर नेहा सिंह जी ऐसे जवाब देते रहेंगे तो पता नहीं कितने और पीसेंगे उसके अंदर। तो ऐसा है कि नेहा जी आप जो भी बोलेंगे सोच समझ के बोल रहे हैं, और भोजपुरी हमारी मातृभाषा है, हम जानते हैं कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, हम अच्छी चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, बुरी चीज़ों को अवॉइड करते हैं। मैं बिल्कुल भोजपुरी का मैं असली गाने नहीं सुनता हूँ, नहीं सुनता, अच्छे गाने सुनता हूँ। तो ये चीज़ें हैं और हर जगह है, अच्छा बुरा तो हिंदी में भी है, भोजपुरी में भी, तमिल में भी।
तो हमें ये देखना है कि जो अच्छा है उसको प्रमोट करना है, तो पूरा उसको छोड़ देना, ये इम्पोर्टेंट। सर पब्लिसिटी की बात की आपने, मेल और फीमेल, तो मेल क्यों नहीं करते अच्छी चीज़ें, फीमेल क्यों करते हैं? अभी उठी जा रही है, कोई ना कोई विभाग बताने के लिए उठ लिया, कोई ना कोई विभाग होता है, और मेल हो या फीमेल हो मैं नहीं कह रहा हूँ, स्पेशली एक ऐसी लेडी का नाम आया जिन्होंने ऐसे गर्व किया, दूसरे अगर ऐसे मेल करते हो भी जवाब पाते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन बात यहाँ अभी अभी उन्हीं की चल रही थी, क्योंकि मैंने ऊपर एक वीडियो डाला था और वीडियो काफ़ी वायरल भी हो गया, तो मैं इतना ही जरूर कहूँगा, अगर आप भी जैसे मीडिया में हैं, आप भी उनको अगर आपको कोई सम्मान देगा तो आप भी उसको सम्मान दोगे, अगर आपको कोई सम्मान नहीं देगा तो कैसे सम्मान दोगे, चाहे मेल का हो या फीमेल का, बात यहाँ नहीं है, अगर मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ तो आप मुझे रिस्पेक्ट दे, नहीं तो मेरे इंटरव्यू आप क्यों लोगे भाई, क्या आपको क्या जरूरत पड़ी है, तो वो इम्पोर्टेंट है चीज़ है कि हम क्या बोल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्या बोल रहे हैं और इसका क्या असर हो रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी प्लेटफॉर्म हो गया कि आप छिकेंगे तो ही पता चल जाएगा, सोएंगे तो ही पता चल जाएगा, तो हमको क्या करना है वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन मेरा सवाल है कि मेल क्यों नहीं करते, नहीं मेल बहुत करते हैं, लेकिन मेल फीमेल क्यों नहीं करते, मेल मेल फीमेल ने अभी क्या जवाब दिया, मेल भी करते हैं लेकिन वो पुटांग करते हैं, या तो बहुत बोलेंगे या तो बोलेंगे ही नहीं, वो इस पर टकते नहीं है, वो हर बार वाले फीमेल बगल में खड़ी है उसके बारे में नहीं, मैं बिल्कुल नो कमेंट्स, क्यों बस मैं यही कहना चाहूंगी, देखिए वेस्टर्न ड्रेसेस बहुत टाइप के होते हैं, बस इससे मुझे थोड़ा डर लगता है, थैंक यू, बस इसके अलावा बोलने से सब चीज डरते हैं, हां नहीं बोलना चाहिए, वो तो इंसान अपने आप समझ जाता है, कैमरे के सामने कंफर्ट, हां सिंपल सी बात है, सिंपल है, इनको माइक दे दो एक कंपनी, मेरे को माइक दे दो मैं कांपने लगूंगा, ये फर्क है, मुझे आप कैमरे के सामने स्क्रिप्ट दे दो चार पेज का बोलूंगा, चार लाइन बोलने को बोलोगे तो परेशान हो जाऊंगा, हां बस ये लगता है कि सबकी अपनी लाइफ है, व्हाई टू कमिंग इन एवरीबॉडीज पर्सनल लाइफ, हां लेकिन बोले दो अच्छा, नहीं मुझे ये बिल्कुल भी कमेंट नहीं करना है कि अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल मत पूछिए। अपकमिंग में एक्चुअली पवन जी की मूवी आई है हर हर गंगे, उसमें भी मैंने प्लेबैक किया है, प्लस आंगन की तुलसी मूवी है जिसका जिसे प्रदीप अंकल ने किया है, प्रोड्यूस किया है, उसमें भी जी आंगन की लक्ष्मी सॉरी उसको भी मैंने उसमें भी गाया और बहुत सारे गाने, यश भैया की मूवी अघोरी आई थी उसमें भी मैंने प्लेबैक किया है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अभी लाइन अप है, वो धीरे धीरे आते जाएंगे, तो मैं इंडस्ट्री में बस सभी दर्शकों का, भोजपुरी इंडस्ट्री के सभी दर्शकों का प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही मैं अपने ऊपर चाहती हूँ, बस थैंक यू सो मच। नमस्कार, मेरा नाम रुचि तिवारी है और प्रॉपर मैं बरेली से बिलोंग करती हूँ, मध्य प्रदेश से, जो कि भोपाल के पास है। आज ये लोग कंफ्यूज जाते हैं कि यूथ में भी एक बरेली है बट वेस्ट बरेली रहती है, सो मैं वहाँ से हूँ और मैं मध्य प्रदेश आ चुकी हूँ, मेरी किरण भोपाल रह चुकी हूँ और एक मेरा कलाकार है, और मुझे प्रॉप्स 3 to 4 years हो गए हैं और रिसेंटली में एक मूवी आने वाली है जिसका नाम है रोश, जो कि एक सोशल अवेयरनेस टॉपिक पर भी है और एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी है जिसको रिलीज हुआ ऑन 1st May और चल रहा है, सो बस आपसे यही निवेदन है कि आप लोग अपनी ब्लेसिंग्स अपना सपोर्ट हमें दें और मूवी को जरूर देखें। मेरा नाम रूपल मोहता, मिसेस इंडिया यूनिवर्स, राइट नाउ आई एम वर्किंग लॉट्स ऑफ म्यूजिक एल्बम्स एंड मूवीज। सर आज के अवार्ड के बारे में तो सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहूँगी स्नेहा इवेंट का, बिकॉज मेरा आज एक सॉन्ग भी यहाँ लॉन्च हुआ है पढ़ लिया, जो मैंने खुद ने गाया है और फीचरिंग में भी मैं हूँ, साथ ही स्नेहा इवेंट में आज जो बहुत अच्छा कॉज के लिए जो वर्क कर रहे हैं कन्यादान, जनरली कन्यादान यहाँ आज के समय में एक कन्या का दान भी नहीं कर पाते, वहाँ 250 कन्यादान करना बहुत बड़ी बात है, और इतने अच्छे कॉज के लिए अगर हम सभी मिलकर अगर सपोर्ट करते हैं, तो जो सर ने संकल्प लिया है 5,000 कन्यादान करने का, डेफिनेटली वो इस ईयर कंप्लीट होगा, हम सभी नारी शक्ति उनके साथ हैं। कैसा लगा आपको इतने सेलिब्रिटी यहाँ पर आए वुमेंस अवार्ड लिए, कैसा लगा आपको? ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी तक का जैसे काफ़ी लोगों ने कहा कि हम मुंबई आते हैं, कुछ लोग अवार्ड लेकर जाते हैं, कुछ अवार्ड लेने वाले हैं और कुछ लेकर गए, आज कुछ ले रहे हैं और कुछ लेने वाले हैं, तो जब मेरी स्टार्टिंग हुई थी मुंबई में तो काफ़ी अवार्ड्स मैंने भी लिए थे, ये मेयर हॉल में मैं भी काफ़ी अवार्ड्स लेके गई, और आज जब मुझे अवार्ड देने बुलाया तो आप समझ सकते हैं सेलिब्रिटी के साथ हम जब अवार्ड देते हैं तो लगता है हम जो मेहनत कर रहे हैं फाइनली आज उसको रिजल्ट मिल रहा है। कन्यादान का कॉन्सेप्ट क्या है? कन्यादान का कॉन्सेप्ट सर
कन्यादान का कॉन्सेप्ट तो मुझे ऐसा लगता है काफ़ी सालों से चल रहा है, और ये कन्यादान का कॉन्सेप्ट तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के समय में एक कन्यादान करना भी पेरेंट्स के लिए, जो मिडिल फैमिलीज़ के पेरेंट्स होते हैं उनके लिए मुश्किल होता है। अगर ये सोशल कॉज करके अगर सारे लोग मिल के इस तरीके के कन्यादान करते हैं तो एक लड़की, हर लड़की का एक सपना होता है उसकी शादी बहुत अच्छे तरीके से हो, बट परिवार का कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति ऐसी होती है जो नहीं कर पाते उस तरीके से कन्यादान, और फाउंडेशन के थ्रू जो कन्यादान करवा रहे हैं सही में बहुत अच्छा है। जो हमने काफ़ी इवीज देखी है इतने जो लास्ट इतने ईयर से वो कर रहे हैं कन्यादान, कभी 11 कभी 51, और इन्होंने अभी तो 250 कन्यादान का संकल्प लिया है, ऐसे होते रहना चाहिए सर। थैंक यू सो मच। नमस्ते आप सभी को। इनफैक्ट मैं तो आई थी किसी और अवार्ड के लिए, और लेकिन जब पता चला कि कन्यादान साथ में है तो उससे बड़ा बड़ी बात क्या होगी, क्योंकि वही कहते हैं कन्यादान करना सबसे बड़ा पुण्य है हमारे यहाँ पर, और यहाँ पे इतना अच्छा एक सोशल कॉज है और साथ में जुड़े हुए लोग बॉन्डिंग हैं, और कहते हैं कि इनको 5,000 कन्यादान करने हैं और ये 250 कन्यादान कर रहे हैं दिसंबर में। सो आई थिंक इससे पुण्य का काम कुछ नहीं हो सकता। सो मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं जुड़ी भी हूँ, मैंने बकायदा फॉर्म भर दिया है टीम के अपने, सो आई एम वेरी हैप्पी और थैंक यू प्रतीक फॉर इनवाइटिंग। मेरा नाम गौरव प्रतीक है, मैं बेसिकली एक्टर हूँ। अभी मेरी फिल्म आ रही है कैप्सूल गिल, अक्षय कुमार पंडित चोपड़ा शायद आपने सुना होगा, तो ये जल्दी रिलीज़ होने वाली इसी साल में आ रही है, जो हमारा 2 महीने का शूट लंदन में हुआ है, सो ये हमने किए। इसके अलावा ये बहुत अच्छा विष्णु जी ने प्रोग्राम किया है, और इसके पहले भी विंध्य अवार्ड कर चुके हैं तो वो भी बहुत अच्छे लेवल पर किया था, और विष्णु जी को हमेशा उनकी टीम को बधाई दूंगा कि इस तरह से प्रोग्राम करते रहें, और मेरा जितना भी साथ रहेगा और सपोर्ट रहेगा मैं करूँगा, और कन्यादान के लिए धर्मेंद्र जी को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। लगता है कि जब भी कोई व्यक्ति समाज में अच्छा काम करता है अगर उसको कोई संस्था सम्मानित करती है तो उसकी जो ऊर्जा है वो बहुत बढ़ जाती है, और वो समाज में दुगनी ऊर्जा के साथ अच्छा बेहतर काम करने की कोशिश करता है। तो इस तरह के जो लोग हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों में काम कर रहे थे, उनको एक जगह एक छत के नीचे इकट्ठा करना और उनको सम्मान देना तो बहुत बड़ा काम है, और ये काम पिछले 3 साल से लगातार ये संस्था कर रही है। मैं संस्था को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और मुझे लगता है आने वाले वक्त में समाज की प्रतिभाओं को वो मंच पर लाकर उनको न सिर्फ उत्साहित करेंगे बल्कि जो लोग उनको देख रहे हैं वो भी कहीं उत्साहित होंगे और अपने जीवन में अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे। देखिए मुझे लगता है मेरा बचपन से काम है, मुझे लगता है जहाँ भी कोई अच्छा काम होता है मैं अपने शब्दों से उस चीज़ को कितना बेहतर कर सकता हूँ मैं कोशिश करता हूँ, और मैं ये निस्वार्थ भावना से करता हूँ। जहाँ प्रोफेशनल होता है मैं कई बार इंटरनेशनल शोज करता हूँ, जहाँ पर दूसरे देश में जाकर मैं वर्ल्ड के बड़े बड़े प्रोग्राम होस्ट करता हूँ, और साथ में मुझे कहीं ऐसा लगता है कि कोई काम समाज के लिए कोई बेहतर हो रहा है तो मैं निःशुल्क अपनी सेवा बिना किसी पैसे के ऐसे किसी अच्छे काम में अपनी आहुति अपना योगदान देता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, एक अच्छा काम हो रहा था उसमें मेरी भी थोड़ी सी आहुति, मेरी भी थोड़ा सा प्रयास। Thank you.